नमस्कार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। अब खोए हुए मोबाइल को ढूंढने के लिए ज़्यादा परेशानी नहीं झेलनी होगी। कटिहार पुलिस ने एक नया तरीका निकाल लिया है और एक स्कैनर डेवलप किया गया है, जिसके तहत आप पुलिस को अपने मोबाइल की जानकारी दे सकते हैं और पुलिस आपका मोबाइल जो है आप तक पहुँचा देगी। और इसको लेकर जो है कटिहार पुलिस ने एक अनोखा तरीका निकाला है। तो आपको बता दें कि बिहार पहले से ही सभी जिलों में ऑपरेशन मुस्कान के तहत पुलिस खोए हुए लोगों के मोबाइल ढूंढकर निकालती है और लोगों को पहुंचाती भी है। इसी बीच कटिहार पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान को और अपडेट करते हुए एक स्कैनर QR डेवलप किया है। कटिहार पुलिस के द्वारा खुद से तैयार किए गए यह स्कैनर के माध्यम से कोई भी लोग अपने खोए हुए मोबाइल के बारे में जानकारी देने के लिए दूसरे मोबाइल से स्कैनर से स्कैन कर अपलोड फॉर्म भर देंगे और इसके बारे में विस्तृत जानकारी दे रहे हैं कटिहार के SP जितेंद्र कुमार। क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले आप वो सुने। जो ऑपरेशन मुस्कान PHQ का बिहार पुलिस मुख्यालय का जो चल रहा है, उसके तहत हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी मोबाइल्स हैं लोगों की, जो किसी भी प्रकार से जो है या तो छीनी गई हैं या चोरी की गई हैं या गुम हो गई हैं, उसको हम लोग बरामद कर रहे हैं और बरामद करके जो है जो उनके जो ऑनर हैं उनको हम लोग सुपुर्द कर रहे हैं विधिवत। उसी सुविधा को और भी लोगों के लिए सुगम बनाने के लिए कि जिनकी मोबाइल अगर गुम हुई है तो वो घर बैठे जो है अपना इन्फॉर्मेशन जो है हमें दे सकते हैं। इसी के लिए आज जो है हम लोगों ने एक QR कोड जो है उसको लॉन्च किया है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इसको जो है प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हम सभी लोगों से, आप लोगों से अपील करते हैं कि मैक्सिमम लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि लोग जो हैं उनका अगर मोबाइल अगर किसी भी प्रकार से गुम हुआ है, खोया है या छीना गया है, तो उसको जो है उसका इन्फॉर्मेशन इस सिर्फ और सिर्फ QR कोड को स्कैन करने से। गूगल फॉर्म खुलता है, आपको गूगल पर अकाउंट होना चाहिए और गूगल फॉर्म खुलता है उसको भर देना है और इमीडिएटली जो है वो हमारी जो टीम है, जो ट्रैकिंग टीम रहती है वो यहाँ पर काम करती है, तो उसको वो पहुँच जाएगा और हम लोग इस पर काम करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि इसमें ऑपरेशन मुस्कान को एक और जो है इसमें बल मिलेगा। ऑपरेशन मुस्कान जो है हम लोग जो काउंट किए थे उसमें जो है लगभग अराउंड 300 के लगभग जो है हम लोगों ने मोबाइल्स अभी तक दिए हैं, लेकिन ये प्रतिदिन चल रहा है। अब मैंने क्या किया इसको कि थाना वाइज ही जो है इसका डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट किया है। अगर किसी थाने OP में अगर एक या दो अगर रिकवरी हो रही है तो उनको जो है वहीं से हम लोग दे रहे हैं, ताकि लोगों को सुगमता हो, उनको जल्द से जल्द उनको मोबाइल। तो आपने कटिहार SP जितेंद्र कुमार को सुना, जिन्होंने इस मामले में पूरी जानकारी दी और बताया कि किस तरीके से कटिहार पुलिस ने एक अनोखा तरीका निकाला है, स्कैनर डेवलप किया गया है, जिसके थ्रू जो है आपका अगर फोन खो जाता है तो आप दूसरे फोन से उस स्कैनर को स्कैन करके अपने फोन के बारे में पूरी जानकारी पुलिस को पहुंचा सकते हैं और पुलिस इस पे काम करेगी और आपका फोन आप तक पहुंचाएगी। आपको बता दें कि इसके लिए लोगों को थाने भी आने की जरूरत नहीं है, हालांकि इसके लिए थाना स्तर, आपको बता दें कि खोए हुए मोबाइल के बारे में आपको शनहा भी दर्ज कराना होगा और वहीं यह स्कैनर सुविधा और कैसे ये सिस्टम करेगा कम, कटिहार के SSP ने इस तमाम चीज़ों के बारे में बताया है कि ये स्कैनर कैसे काम करेगा, इसके लिए आपको क्या क्या करना होगा, किन किन स्टेप से गुजरना होगा। इन तमाम जानकारी को जितेंद्र कुमार ने दिया है और आपने सुना भी है कि किस तरीके से एक अनोखा तरीका निकाला गया है, ऑपरेशन मुस्कान को और अपडेट किया गया है। तो फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।